नमस्कार, मैं सपना पब्लिकेशन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। इस वक्त की बड़ी खबर हाथरस से आ रही है। हाथरस में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म। हाथरस के थाना सादाबाद क्षेत्र में नाबालिग के साथ सेना के दो जवानों के द्वारा किया गया दुष्कर्म। नाबालिग के पिता ने दोनों के खिलाफ कराई थाने में रिपोर्ट दर्ज। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तत्काल एक आरोपी सेना के जवान को किया गिरफ्तार। नाबालिग का कराया मेडिकल। आपको बता दें कि थाना सादाबाद क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति द्वारा थाना सादाबाद पर सूचना की गई कि उनकी नाबालिग पुत्री पड़ोसी के घर गई थी, जहां से लौटते वक्त हमारे गांव के ही दो युवक मुकेश पुत्र मोहन सौरभ पुत्र संजय द्वारा मेरी पुत्री नाबालिग के साथ गलत काम किया गया है। इस सूचना पर तत्काल क्षेत्र अधिकारी सादाबाद व प्रभारी निरीक्षक सादाबाद द्वारा मैं पुलिस फोर्स के मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना की जानकारी की गई और परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर थाना सादाबाद पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर पीड़िता को मेडिकल निरीक्षक हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया। गांव में जानकारी करते हुए ज्ञात हुआ कि मुकेश आरोपी सेना में कार्यरत हैं, अवकाश पर आया हुआ था घर, तथा आरोपी सौरभ भी सेना में कुछ समय पहले ही भर्ती हुआ है। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी मुकेश पुत्र मोहन निवासी नंगला छत्ती थाना सादाबाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। अवगत कराना है, दिनांक 29/4/21 को थाना सादाबाद क्षेत्र के एक व्यक्ति द्वारा थाने पर सूचना दी कि दिनांक 28/4/21 को उसकी नाबालिग पुत्री पड़ोसी के घर गई थी, जहां से लौटते वक्त उसके गांव के ही दो व्यक्ति मुकेश पुत्र मोहन एवं सौरभ पुत्र संजय द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री के साथ गलत काम किया गया है। इस सूचना पर मैं क्षेत्राधिकारी सादाबाद एवं SHO सादाबाद तत्काल पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे एवं घटनास्थल का निरीक्षण किया। थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर पीड़िता को तत्काल चिकित्सीय परीक्षण हेतु जिला अस्पताल भेजा गया। जानकारी करने पर पता चला कि मुकेश पुत्र मोहन सेना में कार्यरत है तथा अवकाश पर आया हुआ है और सौरभ पुत्र संजय भी कुछ दिन पूर्व सेना में भर्ती हुआ है। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकेश पुत्र मोहन उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।